हाय फ्रेंड्स, मैं वेबा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वन इन ऑल। आज मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। उम्मीद है आपको हर साल की तरह इस साल भी बहुत मज़ा आ रही होगी होली में। तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपकी होली कैसी गई आज। मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत ही मज़ा आ रही है इस होली में। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और कोई भी अगर क्वायरी होती है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, मैं उस क्वायरी को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स, सभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरा भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उसमें मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 26 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी थी कि 26 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि वहाँ से जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं किए जा सके हैं। तो इसके लिए उनके जो उनका टोल फ्री नंबर है उस पर बात भी की गई। उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एडमिट कार्ड नहीं हो पाया, इसलिए डेट को आगे बढ़ाने का सोचा जा रहा है, जिसकी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि डेट कब है। तो इसके लिए अभी उनकी बात चल रही है। तो इसका मतलब अभी जब तक डेट नहीं आई है तब तक आपके पास समय समय है, अगर इसको पॉजिटिव वे में आप देखते हैं तो। अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हैं तो इसका मतलब कि आप जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, तो आपके पास जो जितने भी डेट एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो आपके एक प्लस पॉइंट हो गया। आपको अपनी प्रैक्टिस को और इंक्रीज़ करने का मतलब एक मौका मिल गया है कि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अपने क्रैक करने में मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 10-11 मार्च को एग्ज़ाम होना था, तो उस डेट को एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा या किस डेट को आपको एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपसे एक ईमेल आईडी मांगी गई थी, एक वैलिड ईमेल आईडी मांगी गई थी, जिसमें आपसे पूछा गया था, बताया गया था कि जो भी अगर एडमिट कार्ड अगर इशू होगा तो आपकी इस ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एडमिट कार्ड के लिए नहीं भागना है, आपको अपनी पढ़ाई पे भागना है कि आप अपनी पढ़ाई को जो चीज़ें छूट गई हैं इस समय, आप उसको ज़रूर रिसॉल्व करिए और उसको सॉल्व करिए। अपना मतलब कि जो भी हो 100% दीजिए आप अपना। आपके पास अब इसका मतलब एक प्लस पॉइंट हो गया है कि आपके पास अब एक्स्ट्रा टाइम आ चुका है अपनी पढ़ाई को और बूस्टअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें बता दिया, आप चाहेंगे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और डेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया किस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आपको कतई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। अगर एडमिट कार्ड आता है तो आपको भागना नहीं है कि हमको एडमिट कार्ड निकालना, सबसे पहले निकाल ले वरना साइड नहीं चलेगी। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना शुरू करिए। मेरा तो टाइम हो गया ख़त्म, अब आपका टाइम स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें, कि इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने एक चीज़ लिख के आ रही है, वो ये आ रही है कि उसमें ये भी कह दिया गया है कि आपने अगर मल्टीपल टाइम्स आपने अगर वो भर दिया है फीस, तो आपका 30 मार्च के बाद आपके उसमें अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कैंडिडेट हु पेड फीस मल्टीपल टाइम्स रिफंड शैल बी प्रोसीड आफ्टर रिकॉन्सिलेशन विद बैंक आफ्टर 30 मार्च 2018। मतलब कि जिसने मल्टीपल टाइम्स फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन फ़ी भरते समय मल्टीपल टाइम्स भर दिया है, तो उनका जो अमाउंट है उनके अकाउंट में 30 मार्च के बाद तक आ जाएगा, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा टाइम तो ख़त्म और आपका टाइम शुरू। तो चलिए मिलते हैं होली के बाद।